इतना बता रहा माते बता रहे हैं नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? हनुमंत सिंह सोडा। हनुमंत सिंह जी सोडा, आप ही हो क्या जी? अच्छा, आपके बारे में काफी सुना है यहाँ मेले में। हाँ, बहुत मास्टर भी है, बहुत अच्छे राइडर है। अच्छा जी, जी। राइडर भी हो और मास्टर भी हो। हाँ। कौन सा घोड़ा यूज करते हो आप ज्यादातर? सिंधी। सिंधी। हाँ। मारवाड़ी यूज नहीं किया कभी? मारवाड़ी ज्यादा नहीं। मारवाड़ी नहीं, क्योंकि हमारे जो हम 71 मुकाबले पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो हमारे पास ही सिंधी ही थे। अच्छा, आप भी पाकिस्तान से आए हुए? हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा, तो बाड़मेर से हो आप? नहीं, जैसलमेर से। जैसलमेर से हो। हाँ। तो ज्यादातर यहाँ पे सिंधी घोड़े यूज होते हैं? हाँ, सिंधी ज्यादा। अच्छा, जो पंच कल्याण घोड़ा नहीं है, यूसुफ जो सरफराज को मैंने दिया है। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने दिया है। वो गौस को जो मलंग काला है वो भी मैंने दिया है। बहुत चलने वाला निकला यूपी बिहार में, जंगल लड़ा है। अच्छा, तो ये जैसे ये रिंग अभी ये दौड़ रहे हैं घोड़े जी, ये दौड़ने का मेन कारण क्या है यहाँ पे? यहाँ दौड़ने का यही है, अपनी अपनी पसंद है और भी शौक भी है ज्यादा। अच्छा, और कई सालों से हम जंगल लगाते हैं। अपने अपने कलर की घोड़े की कलर दिखाते हैं? घोड़ा की कला दिखाओ तो भाई, मैं यह चाल डाल दियो, मैं यह काम सका दियो जान। अच्छा 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 अच्छा, ये बात। और पाकिस्तान भी थे हम, हिंदुस्तान पाकिस्तान तो अब ही, पहले भी हमारे पूर्वज यहाँ आते थे। अच्छा, और कई सालों से, कई 500 साल पुरानी बात है ये, तो मेला लगता आया है। अच्छा, सिंधी ब्रीड के पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान की ब्रीड है, ये तो ये पाकिस्तान की ब्रीड, पाकिस्तान की ब्रीड है सिंधी ब्रीड। बाड़मेर जैसलमेर में मिलेंगे सिंधी नस्ल के घोड़े। हाँ, बाकी और कहीं नहीं है, बाकी नहीं है। बहुत अच्छे चलने वाले घोड़े हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी ये ट्रैक पर दौड़ रहे हैं घोड़े जी, क्या यहीं पे इनका सौदा भी होता है? सौदा खूब होता है यहाँ, ग्राहक आते हैं यहाँ पे, हजारों यहाँ सौदा होता है और हजारों घोड़ा यहाँ पे। 10 लाख में घोड़ा बिकता है यहाँ पे। अभी एक घोड़ा 10 लाख का तो दिया नहीं है, कल एक घोड़ा 7 लाख में बिका है। अच्छा, और आज सुबह एक 8 लाख में बिका है। कोई ये चालबाज घोड़ा ही? हाँ हाँ, सिंधी नस्ल का। 44 जो चलते हैं, और सिंधी जो मादरी बोलते हैं चौबाज, वो भी चाल है, वो तो ओरिजिनल चाल सिंधी घोड़े के पास ही है, चौताला और जो मादरी चलता है चौबाज वो। मतलब चाल के लिए तो परफेक्ट घोड़ा सिंधी होता है? सिंधी होता है। अच्छा, तो ये रेस में सरपट में भी सिंधी हम लगाते नहीं है, तो सरपट में भी इसकी स्पीड तगड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा, लगाते नहीं है क्योंकि ये चौताला चलने में शानदार रहता है। ज्यादा तक हमारे को पसंद भी ये चौताला चलना, यही पसंद है। अच्छा, ये राइडर परेशान नहीं होता है। अच्छा, इस घोड़े पे? हाँ, घोड़ा तो परेशान जरूर थोड़ा सा होता है, तो राइडर परेशान नहीं होता है। अच्छा, ऊपर बैठने वाला परेशान नहीं होता? परेशान नहीं होता, उसके पेट के अंदर पानी भी वही भी नहीं हिलकेगा। अच्छा, हमारे इधर जो जैसलमेर बाड़मेर है, जो इसी इलाके में गुजरात है, महाराष्ट्र है, MP है, UP है, बिहार है, पंजाब है, दिल्ली, हर जगह, हरियाणा, सभी हरी जगह पर ये हमारा सिंधी घोड़ा है, सिंधी नस्ल का। तो ये बिना रुके कितना किलोमीटर तक चल जाता है? ये देखो, अपनी अपनी ताकत अलग है। अच्छा 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 अच्छा, एक सांस में 150 किलोमीटर चल जाता है। एक सांस में अच्छा चलने वाला है। तो अभी ये अलग है, जो जिसमें जितनी शक्ति है बिल्कुल उतना ही चलता है। अच्छा, तो अभी ये आपका घोड़ा ये जी, तो ये अभी कितना चल रहा है यहाँ पे ट्रैक पे? ये अभी तो इधर तो ये रहता है। हाँ हाँ, इसमें 35+ चल रहा है। 35+। हाँ, मैंने फोन में लगाया था, 35+ चल रहा था। और ट्रैक पर वैसे समतान जमीन है, पक्की पट्टी, उसमें तो ये 39-40 चल रहा है। हाइट में तो बिल्कुल कम दिख रहा, हाइट में तो कम ही होते हैं जैसे देखा जाए तो। घोड़े हाइट में पावर बहुत है, 58 से 60 पावर और मजबूती बहुत होती है। जी जी जी, यही खासियत है सिंधी घोड़े की। ठीक है साहब, ठीक साहब, फिर मिलेंगे। ओके जी, जरूर मिलेंगे। और एक सितार वाला घोड़े ले।
लारे घोड़ो आप जरा।